पंजाब असेंबली के इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी अहम समाअत हुई है। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्तों पर कल सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस करके तलब किया था और आज इस हवाले से अहम सियासी जमातों के नुमाइंदे अदालत में पेश भी हो गए। अदालत ने आज ही चंद घंटों में मुज़ाकरात करके फैसला करने का हुक्म दिया, मगर तीन रुकनी बेंच की भरपूर कोशिश के बावजूद आज इलेक्शन की तारीख सामने नहीं आ सकी और समाअत अब 27 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल तीन रुकनी बेंच ने समाअत की और आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि वफाक और तमाम सूबों के आम इंतखाबात एक ही साथ कराने से मुतालिक हमने तमाम सियासी जमातों के मस्बत बयान सुने जो इस पुर उम्मीदी को जन्म देते हैं कि वो इलेक्शन की तारीख से मुतालिक देर के बजाय जल्द इतफाक कर लेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि अगर तमाम खदशात को सुलझाने के लिए सियासी डायलॉग का आगाज हुआ तो ये एक तवील अमल होगा और इसका दुरुस्त फोरम सियासी मैदान और सियासी इदारे हैं। मुज़ाकरात सिर्फ एक पॉइंट एजेंडे पर मरकूज होंगे और वो ये कि कौमी और सूबाई असेंबलियों में आम इंतखाबात से मुतालिक इत्तफाक़ राय से एक तारीख तय की जाए। ये अहम है कि इस हवाले से नतीजा तेजी से हासिल किया जाए क्योंकि हमारे 4 अप्रैल के फैसले ने पहले ही पंजाब में इंतखाबात की तारीख फिक्स कर दी है और वो 14 मई की है। ये फैसला अब भी फील्ड में मौजूद है और इसलिए सब पर बाइंडिंग भी है। इसलिए तमाम सियासी रहनुमाओं की आज ही मुलाकात की तजवीज़ को सराहा गया और अदालत ने भी इसे खुशामदीद कहा, जिसके बाद अदालत ने मामले को आज 4 बजे तक मुलतवी किया और अटॉर्नी जनरल को आज ही चैम्बर्स में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने फारूक एचनाइक के साथ चैम्बर्स में बेंच अराकीन से मुलाकात की और उन्हें काबीना अराकीन की आपस में और उनकी तहरीक इंसाफ के एक आला अहदेदार से मुशावरत से आगाह किया गया। अटॉर्नी जनरल और फारूक एचनाइक ने बताया कि उन्होंने ईद की छुट्टियों के पेश नज़र एक वक्फा लिया है क्योंकि बहुत से सियासी लीडरान और सरबराहान ईद मनाने के लिए अपने आबाई शहरों के लिए निकल चुके हैं, मगर इन लीडरान की मुलाकात से मुतालिक 26 अप्रैल को एक इजलास तलब किया गया है जिसकी कार्रवाई और पेशरफ से मुतालिक अदालत को 27 अप्रैल को आगाह किया जाए, इसलिए केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी की जाती है। आज की समाअत में एक मरहले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 3 अप्रैल की समाअत का हवाला देते हुए रिमार्क दिए कि फारूक नाइक ने भी कहा था कि एक साथ इंतखाबात हो। हमने फारूक नाइक साहब से कहा था कि हमारा बॉयकॉट तो ना करें, लेकिन 3 अप्रैल की समाअत में क्या हुआ था ये हम आपके सामने रखते हैं। 3 अप्रैल को समाअत के आगाज़ में पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक रोस्टरम पर आए तो चीफ जस्टिस ने पीडीएम के बायकॉट से मुतालिक सवाल किया और पूछा कि क्या आप केस का हिस्सा बन रहे हैं, क्या आप बायकॉट नहीं कर रहे थे। फारूक नाइक ने जवाब दिया कि हमने बायकॉट नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप मुशावरत करके हमें तहरीरी तौर पर बताएं, अगर बायकॉट नहीं किया तो भी बताएं। तो फारूक नाइक ने जवाब दिया कि सियासी जमातों को बेंच पर तहफुजात हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अखबारात में लगा है कि पीपल्स पार्टी ने भी बायकॉट किया है। नून लीग के वकील अकरम शेख ने कहा कि हमने वकालतनामे वापस नहीं लिए हैं, हमें बेंच पर तहफुजात हैं, लेकिन अदालती कार्रवाई का बायकॉट हमने नहीं किया है। वकीलों का अदालत आना ही एतमाद जाहिर करता है। जैसे एजाजुल अहसन ने रिमार्क दिए कि वकालतनामा देने वालों ने ही इस बेंच पर अदम एतमाद किया है। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि सियासी जमातों ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर बताएं, बॉयकॉट ही करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से सवाल किया कि सियासी जमातों ने क्या हिदायत ले ली हैं। फारूक नाइक ने जवाब दिया कि सियासी जमातों के एलामिये में अदालती कार्रवाई से बॉयकॉट का जिक्र नहीं है। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए, आप अदालत पर अदम एतमाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बॉयकॉट नहीं किया, सियासी जमातों की अदालती बायकॉट की खबरें चलवाई गई हैं। तो नून लीग के वकील अकरम शेख ने इस मौके पर कहा कि वकील वकालत करते हुए गुलाम नहीं बन जाता, 6 दिन से यहाँ बैठकर इंतजार कर रहा हूँ, क्या मुझे अपनी सुनवाई के लिए अखबार में आर्टिकल लिखना पड़ेगा, अदालत में मेरी तजलील हो रही है, मजीद अपनी तजलील नहीं कराऊंगा। चीफ जस्टिस ने अकरम शेख को हिदायत की कि आप अपने दलाइल तहरीरी तौर पर दे दें, अगर आप बुकला जाती हैसियत में आते तो और बात होती, यहाँ आप सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हुकुमरान जमातों ने ऐलान किया है कि 3 रुकनी बेंच पर एतमाद नहीं है। ये सब हुआ, अदालत को बार बार बताया गया कि आपका बायकॉट नहीं किया गया है, लेकिन आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फारूक नाइक से अदालत के बायकॉट का खुद ही शिकवा भी कर दिया। आज दोपहर तक समाअत के बाद अदालत ने सियासी जमातों को 4 बजे तक मुज़ाकरात का वक्त देते हुए समाअत में वक्फा कर दिया, लेकिन 4 बजे के बाद दोबारा समाअत तो शुरू नहीं हुई, मगर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मीडिया पर आ गए और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सख्त मौकफ अपनाते हुए मुज़ाकरात के इम्कान को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया और कहा कि एक ज़माना था कि बंदूक के साए में हमें कहा जाता था कि मुज़ाकरात करो और आज हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात करो।
मौलाना फजल रहमान जिस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे उस वक्त अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान एवान और फारूक नाइक चीफ जस्टिस के चैम्बर में तीन रुकनी बेंच से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद कोई समाअत हुए बगैर ही ये खबर आ गई कि अटॉर्नी जनरल और फारूक नाइक ने अदालत से मोहलत मांगी है, जिसके बाद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। इस दौरान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मीडिया पर आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते और वो बंदूक 3-2 का अक़लियती फैसला है, जब तक इसे मुअत्तल नहीं किया जाता तो मैं अपने इत्तेहादियों को मुज़ाकरात के लिए कायल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अदालत में जो तकसीम है वो तारीख में कभी नहीं रही। मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस अपना ओहदा छोड़ने से पहले सियासी कोशिश के बजाय अपने इदारे को मुत्तहिद करेंगे। तो आजकल हमारा अदालत में हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि अफसोस की बात, इतना तकसीम हमारा तारीख में इतना तकसीम नहीं रहा। मैं आज तक उम्मीद रखता हूँ कि हमारा जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है वो इस बात का सोचेगा और अपना ओहदा छोड़ने से पहले सियासी मैदान में एक जो कोशिश है उसके बजाय वो छोड़ के वो अपना जो अदालत है उसमें यूनिटी लेकर आ और वो यूनिटी कायम करके अपना ओहदा छोड़ेगा, तो फिर तारीख चीफ जस्टिस उमर अतयाल बंदयाल को वो जगह वो अहमियत दिलवाएगा। इसके अलावा नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मुजाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशतगर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं, ये बात याद रखें। अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रही है कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात की तारीख खत्मी है, हम फैसला कर चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते, मगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुज़ाकरात के हवाले से आज खिराज तहसीन भी पेश कर रही थी और इन दोनों रहनुमाओं का मौकफ है कि इंतखाबात पूरे मुल्क में एक साथ ही होने चाहिए। बल्कि सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट में मौकफ इख्तियार किया कि इंतखाबात बड़ी ईद के बाद कराए जाएँ और साथ ही ये भी कहा कि 90 दिन से 105 दिन हो सकते हैं तो 205 दिन भी हो सकते हैं। इसके अलावा माहिर कानून और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट की साउथ एशिया के लिए लीगल एडवाइजर रीमा उमर ने अदालती कार्रवाई के हवाले से ट्वीट किया कि खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कायम रखना है पर इसे बदल भी सकती है। पोलिंग की तारीख 14 मई से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती पर अदालत लचक भी दिखा सकती है। असेंबली तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात आइनी तौर पर लाजमी है लेकिन गुंजाइश भी निकाली जा सकती है।